नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, भारत सरकार के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में इसे लागू न करने के लिए कह चुके हैं। इसी कारण प्रदेश के कोने कोने में इस बिल के समर्थन में लोग उतरने लगे। इसी तारतम्य में एक रैली का आयोजन विदिशा जन जागृति मंच के बैनर तले रखी गई। रैली में पूरे जिले से हजारों की तादाद में साधु संत किन्नरों सहित नागरिकों ने सहभागिता निभाई। विदिशा माधवगंज से शुरू होने वाली रैली मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान में भारत माता की आरती के साथ समापन हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास ने बताया कि भारत की पुण्य भूमि युगों से शरणार्थियों को शरण देता आया है। मोदी जी ने ये प्रेरणा भगवान राम से ली है। वहीं क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर ममता बनर्जी देश का माहौल बिगाड़ रही हैं और देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भड़का रही हैं। ये कानून देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता बल्कि नागरिकता देता है। विदिशा से एलन चौबी की एक रिपोर्ट। संशोधन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ। माननीय मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में ये कानून पास कराया। इस देश में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता दीदी की पार्टी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि यह कानून किसी धर्म विशेष के विरोध में है, परंतु आप लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है।